दोस्तों, आप सबने नोटिस किया होगा कि जब आप ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हो तो 3 या 4 डिजिट टाइप करने के बाद ही वो वेबसाइट या ऐप शो करने लग जाती है कि ये कौन सा कार्ड है, वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है या रुपए कार्ड है। उन वेबसाइट्स को कैसे पता चलता है और क्या आपको ये पता है कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के नंबर को डीकोड किया जा सकता है, आज मैं करके दिखाऊंगा। और क्या आपको ये पता है कि कार्ड्स के ऊपर सीवीवी नंबर का क्या काम होता है? बड़ी जल्दी सीवीवी नंबर टाइप कर देते हो ना, पूरा खुलासा होगा आज। और आखिर क्यों कंपनी सीवीवी नंबर को अपनी एप्लीकेशन या अपनी वेबसाइट पर सेव नहीं रख पाती, हमें बार बार उसे टाइप जरूर करना पड़ता है। वीडियो में अंत तक बने रहो क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 4 बातें बताऊंगा जो आपको अपने क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो बहुत पछताओगे। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम अमृतपाल सिंह एंड यू आर वॉचिंग टेक आइकन। तो ज्यादा लंबा चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर रैंडम नहीं होता है? यस, वो बिल्कुल भी रैंडम नहीं होता। आप उसे चाहे तो डीकोड भी कर सकते हो। घबराइए नहीं, ये कोई भी कर सकता है और इससे आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हैक नहीं होने वाला। चलो आज क्रेडिट कार्ड का ये राज खोलते हैं। तो ये है एक क्रेडिट कार्ड ICICI बैंक का। चलो इसको छोड़ते हैं, नॉर्मल समझाता हूँ। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं। इसके ऊपर जो 16 अंकों का नंबर है उसे प्राइमरी अकाउंट नंबर कहते हैं। ये एक्चुअल में कोई एक नंबर नहीं बल्कि 3 नंबरों को मिलकर बना हुआ नंबर है। पहले के 6 से 8 नंबरों का आपके अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। वो बेसिकली जिस इंस्टीट्यूशन या बैंक ने इशू किया है उसका आइडेंटिफायर नंबर होता है। उसमें भी पहला नंबर आपको जनरल इंडस्ट्री बता सकता है, मतलब अगर शुरुआत में 1 या 2 नंबर होगा तो इसका मतलब वो एयरलाइन इंडस्ट्री से है। 3 मतलब ट्रेवल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, 4 या 5 बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, 6 नंबर बैंकिंग या मर्चेंडाइजिंग के लिए, 7 पेट्रोलियम इंडस्ट्री, 8 हेल्थ केयर एंड कम्युनिकेशन, 9 फॉर नेशनल गवर्नमेंट पर्पस। उसके बाद अगले 5 से 7 डिजिट्स, 5 या 6 या 7 हो सकते हैं, कार्ड के नेटवर्क को दर्शाते हैं, जैसे कि वीजा या मास्टर कार्ड या कोई और नेटवर्क जैसे कि रुपए। इसी वजह से जब आप ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हो तो 3 या 4 डिजिट टाइप करने के बाद ही वो ऐप या वेबसाइट शो करने लग जाती है कि ये वीजा कार्ड है या मास्टर या रुपए कार्ड, क्योंकि उन्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। अब आते हैं कार्ड के अगले सेक्शन पर। कार्ड का अगला सेक्शन होता है अकाउंट आइडेंटिफायर, जो कि आपका अकाउंट नंबर होता है उस नेटवर्क पर। और उसके बाद आती है लास्ट डिजिट, जो कि होती है चेक डिजिट, आपके पूरे क्रेडिट कार्ड पर जो नंबर लिखा होता है उसको चेक करने के लिए। इसे LUHN एल्गोरिदम की मदद से कैलकुलेट किया जाता है और वो कुछ इस तरह से है। स्टेप 1, सबसे पहले चेक डिजिट को क्रेडिट कार्ड नंबर से रिमूव करो, मतलब लास्ट डिजिट को, बचे हुए नंबर्स की लास्ट डिजिट से स्टार्ट करके हर दूसरे नंबर को डबल करते जाओ। अगर डबल किए हुए नंबर 10 या 10 से ऊपर जाते हैं तो उनके डिजिट्स को भी प्लस कर दो। अब जो नंबर्स प्लस करने पर आए हैं और जिन्हें आपने डबल नहीं किया उन सब को प्लस कर दो। उसका जो आगे चलकर आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस करना है। अगर डिजिट 0 है तो सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। अगर कोई और डिजिट है तो 10 से माइनस करने के बाद जो डिजिट आएगी वही आपकी चेक डिजिट होगी। अगर ये सब करने के बाद भी लास्ट चेक वाली डिजिट नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड नंबर गलत है। तो हमने ये तो जान ही लिया है कि क्रेडिट कार्ड नंबर को डिकोड कैसे करते हैं। चलो अब उसके पीछे जो 3 डिजिट का सीवीवी नंबर होता है उसके ऊपर आते हैं। हाँ, तो हमने क्रेडिट कार्ड के नंबर्स को तो डिकोड कर लिया है और मैंने बता भी दिया है। चलो अब इसके पीछे जो सीवीवी नंबर है 3 डिजिट्स का उसके ऊपर आते हैं, मतलब कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू CVV। तो इसका क्या काम होता है? एक्चुअल में ये सीवीवी नंबर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल में किया जाता है और ये एक तरह से एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सीवीवी भी कोई रैंडम नंबर नहीं होता है, ये भी कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, इन सब को मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस करके, फलाना ढिमकाना करके ही कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जिस तरह से मैंने क्रेडिट कार्ड का सामने वाला नंबर डिकोड किया क्योंकि उसका एल्गोरिदम हमें पता है, लेकिन सीवीवी का एल्गोरिदम हमें नहीं पता और ना ही हमें ये बताया जाता है। फॉर ऑब्वियस रीजन ये एल्गोरिदम पब्लिकली कहीं नहीं बताया जाता क्योंकि इसे सीक्रेट रखा जाता है ताकि कोई हैकर किसी का पैसा उड़ाकर ना ले जाए। क्योंकि हम ज्यादातर अपने क्रेडिट कार्ड का सामने वाला नंबर Amazon, Flipkart, Paytm जैसी वेबसाइट या एप्स पर स्टोर करके रखते हैं और हैकर को अगर सीवीवी का एल्गोरिदम पता चल जाता है तो वो भी कार्ड का सीवीवी नंबर पता कर सकता है और कुछ भी शॉपिंग कर सकता है अगर साइट हैक हो जाए तो। और इसी वजह से ऑनलाइन कंपनीज को सीवीवी नंबर को स्टोर करने की अथॉरिटी नहीं है, क्रेडिट कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट को छोड़कर। दैट्स व्हाई हमें हर ट्रांजैक्शन करने के लिए सीवीवी नंबर भरना पड़ता है हर बार। तो अब आते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहला, आपको अपने क्रेडिट कार्ड को किसी भी ऐसी वेबसाइट पर यूज नहीं करना है जो फर्जी लग रही हो, नहीं तो आपके लाले पड़ जाएंगे और आपको वो बिल भी भरना
बनाना पड़ सकता है जो आपका है भी नहीं। दूसरा, कभी भी भूलकर क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं निकालना, कैश नहीं निकालना, क्योंकि जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने पर मिल रहा है या मिलता है वो आपको कैश के केस में नहीं मिलेगा। अगर आप कैश मतलब पैसे निकालोगे तो आपका कट जाएगा इंटरेस्ट और आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, ज्यादा ब्याज। तीजा, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर जो मिनिमम पेमेंट होती है वो कभी नहीं भरनी चाहिए। खुश मत हो, पूरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट भरनी है, नहीं तो बाकी बची अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, वो भी पूरे पीरियड का, मतलब 50 दिन जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपने यूज किया है उसका भी इंटरेस्ट आपके गले पड़ेगा। चौथा, आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का बस 30% तक ही खर्चना चाहिए। पहली बात तो 25% तक ही मान के चलो, मतलब अगर 1,00,000 का आपका क्रेडिट कार्ड है तो 25,000 तक ही यूज करना बढ़िया रहेगा। मैं तो कहता हूँ 25,000 से ऊपर करो ही मत। अब आप पूछोगे क्यों? बोल। तो इसका जवाब ये है कि एक तो मैं आपका पैसा बचा रहा हूँ और ऊपर से मुझसे आप सवाल पूछ रहे हो, और दूसरा इससे आपका सिविल स्कोर बढ़ता है, मतलब नंबर स्कोर एग्जाम वाले वैसा ही कुछ, मतलब क्रेडिट स्कोर जिसे आपको फ्यूचर में बिजनेस के लिए लोन चाहिए ना, बढ़िया बनाकर रखना पड़ेगा ये स्कोर, तो फिर चुटकियों में आपको लोन मिल सकता है। मेरा सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, इतने सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे इकट्ठे नहीं हुए हैं। तो सभी बैंक वासियों को मैं कहना चाहता हूँ, मेरा स्कोर बहुत बढ़िया है, मुझे लोन दे सकते हो आप? नहीं। तो कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोक दो, और आज का लाइक एम जितना मर्जी कर देना यार, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप अच्छा खासा लाइक दे दोगे मुझे। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी तो अपने आप कर दोगे। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।